हरित क्रांति के अग्रदूत सुभाष यादव के 74वें जन्मदिवस पर उनके गृह गांव बोरावा में निमाड़ मालवा और प्रदेशवासियों ने शुक्रवार 1 अप्रैल को उन्हें विनम्र पुष्पांजलि अर्पित की। सुभाष यादव की धर्मपत्नी श्रीमती दमयंती यादव, ज्येष्ठ सुपुत्र पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री अरुण यादव, छोटे सुपुत्र और प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री एवं कसरावत के विधायक सचिन यादव, उनके भाई राजेंद्र यादव सहित सभी परिजनों ने अपने पितृपुरुष सुभाष यादव के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर विधायकों जीतू पटवारी, विशाल पटेल, हर्ष गहलोत, महेश परमार, केदार सिंह डावर, संजय शुक्ला के साथ ही निमाड़ मालवा और प्रदेश के कोने कोने से आए सुभाष यादव के समर्थकों, प्रशंसकों, स्नेहियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी अपने प्रिय नेता को पुष्पांजलि अर्पित की। शुक्रवार को सुबह उनके निवास पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए भजन कीर्तन और प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया था। इस अवसर पर मारुति रामायण मंडल खरगोन द्वारा सुंदरकांड का पाठ भी किया गया। वहीं इस अवसर पर गुलाब बाई यादव स्मृति शिक्षा महाविद्यालय बोरावा के छात्र छात्राओं और संकाय सदस्यों ने रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया। प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र तिवारी ने बताया कि संस्थान के संस्थापक सुभाष यादव के 74वें जन्मदिन पर 74 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री अरुण यादव और प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री एवं विधायक सचिन यादव ने गुलाब बाई यादव स्मृति शिक्षा महाविद्यालय बोरावा के छात्र छात्राओं द्वारा बनाए और गाए गए कुल गीत को लॉन्च कर निमाड़ वासियों को समर्पित किया। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। जीवन रहा है उस राजनीतिक जीवन का सबसे मूल उद्देश्य हमारे इस पहाड़ की सूखी धरा पर माँ नर्मदा का जल आए, ये उनकी पूरी राजनीतिक जीवन की का उद्देश्य और लक्ष्य था। और जब उनको अवसर मिला, जब उनको मौका मिला 1980 में, उन्होंने उससे पहले से इसका प्रयास उन्होंने चालू करा और आज निश्चित रूप से उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के प्रयास से, भगवान से आज हमारा पूरा जो निर्माण क्षेत्र है, उस निर्माण क्षेत्र में एक हरित क्रांति आपको देखने को मिली है। और यही कारण है कि आज जन जन में, गांव गांव में, हर एक किसान, गरीब और मजदूर के मन में जो माँ नर्मदा के पानी से जो उन्नति और तरक्की आई है, जो खुशहाली हमारे क्षेत्र में आई है, उसके कारण से आज हर एक व्यक्ति के मन में स्वर्गीय पिताजी रचे बसे हैं। और हम लोगों का भी यही प्रयास है कि आगे भी हम लोग इसी प्रकार से हम लोग काम करते रहें। जिस प्रकार से स्वर्गीय पिताजी ने किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का काम किया, हमारी भी ये कोशिश है कि हमारे कसरावत विधानसभा क्षेत्र में हम लोग माँ नर्मदा का जल लोगों के घरों तक पहुंचाने का काम करें। पेयजल की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को हम लोग सुदृढ़ करें ताकि माँ नर्मदा का जल खेतों के साथ साथ लोगों की प्यास बुझाने का काम भी करें। स्वर्गीय पिताजी ने लिया था कि निमाड़ अंचल को हम लोग पूरा सिंचित करेंगे, हरित क्रांति की जो तो आगाज उन्होंने किया था उसको भी आगे बढ़ाने का हमारा संकल्प है। किसान के खेत पर अगर पानी मिल जाए तो किसान हर चीज़ हमारे सक्षम है। और आज निमाड़ अंचल मुझे खुशी होती है जब देखकर कि हमारा निमाड़ का किसान पूरे मध्य प्रदेश में खेती के मामले सबसे ज़्यादा अग्रसर है। और ये सिर्फ माँ नर्मदा का पानी किसान के खेत पर पहुँचने से हो पाया है और इसी संकल्प को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अपने पिताजी का सपना था कि हर किसान के खेत पर पानी पहुँचे, उसको हम लोग सब लोग मिलकर कांग्रेजन उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।